साथियों, एक ईंटा भाटा से हमारा कॉल आया है। आप ही लोग कॉल किए थे क्या? हमारा जंगल है, देखिए सांप निकला हुआ। कहाँ पर देखा गया? देखिए सामने है? सामने में आइए, देखिए मिट्टी के अंदर। रुकिए रुकिए साथियों, सांपों का फ्री हैंडलिंग ना करें। ये रेस्क्यू इंस्ट्रूमेंट है, क्या है पकड़ने का, ये एकदम आधुनिक हथियार है जिससे आप सांप रेस्क्यू कर सकते हैं। कहाँ देखा गया बताइए तो? अच्छा, यहाँ देखा गया है, इस जगह जी। इस जगह में जी। साथियों, ये रसल्स वाइपर, ये एक इतना जहरीला सांप है कि इसके बारे में हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। है, हम बाहर कर देते हैं। इसे हम लोग छूते भी नहीं है। हाँ हाँ, डरिए मत, डरिए मत, डर के आगे जीत है। आप लोग सब आइए, इधर दूरी बना बना के आइए। यहाँ यहाँ मेरे, हाँ हाँ हाँ, इधर आराम से हम इसके बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा सांप है जिसके काटने से क्या होता है, वो जगह में सूजन होना, फूलना, पीज भर जाना और मांस गैंगरिंग हो जाना, जिसे हम हिंदी में, खास करके हिंदी नाम है बहरा जोड़ा, बंगला में इसे चंद्र बोड़ा, इंग्लिश में रसल्स वाइपर और एक साइंटिफिक नेम है डोबिया रेसुलस। ये देखिए कॉइन कॉइन का दागी है और ये एक दो फीट दूर से ही झपटता है बहुत जोर का ये, और किसी भी इंसान को अगर सांप काट ले, हॉस्पिटल, कहाँ जाना है, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ आपको एबीएस मिल जाएगा। बहुत अच्छा काम किए हैं। और साथियों, ये बांदा बस्ती का एरिया है जहाँ इसे रेस्क्यू किया जा रहा है। एकदम करीब से दिखलाइए सांप को ताकि लोगों को पता चले कि ये रसल्स वाइपर है। जैसे जैसे गाछ वृक्ष कट रहा है, सांप आज के दौर में इंसानी बस्तियों में आना शुरू हो गया है। तो सबसे ज्यादा सेव ट्री सेव लाइफ। ये जो एक ऐसा सांप है जिसका जो फैंग होता है ना, दांत होता है, सबसे बड़ा होता है। पहला जो दांत होता है इसका वर्ल्ड में गबून वाइपर, और उसके बाद आ जाता है रसल्स वाइपर का। ये ज्यादातर चूहा खाता है, चूहा का तलाश में ये इधर उधर घूमते रहता है, और गलती से पैर दब जाए तो ये काट लेता है। ऐसे जल्दी ये काटना भी नहीं चाहता है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारा ये जो खास करके एक बैग है, इसको खोलिए। आप लोग डरिए मत, इसको खोल दीजिए, यहाँ यहाँ ये खोलिए। आज हम आप लोगों को दिखलाएंगे कि किस ढंग से हम लोग सांप को इसके अंदर डालेंगे। हैं, इसमें एक पाइप भी होगा, इसमें वो पाइप है। निकालिए निकालिए निकालिए, डरिए मत, निकालिए ये पाइप, निकालिए। इसको ऐसे लंबा करके रख दीजिए और पाइप तो इसमें घुसा दीजिए। मैंने खाली मुंह का रख ही दिया। हाँ 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 हाँ, बस बस बस। और ये हुक दे दीजिए। देखिए, ये धीरे से हम अगर पाइप की ओर ले जाएंगे ना, उसको लगेगा ये बिल है और वो आराम से इसमें घुस जाएगा। ज्यादा छूना नहीं है, पकड़ना नहीं है इसे, क्योंकि ये अगर काट ले तो वो जगह सूजन होना, गैंगरिंग हो जाना, यहां तक कि किडनी तक फेल कर देता है। ये काफी जहरीला सांप है। ये धीरे 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 इंसानी बस्तियों में आना शुरू कर गया है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमें कॉल किए हैं, और इस तरह दोबारा कभी निकले तो फिर हमें आप बुलाइए। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। लेकिन सांप का अभी का युग में देखिए, यूथ जो है ना, 20,000 का मोबाइल खरीद ले रहे हैं और मेरा नकल कर रहे हैं, लेकिन 4,000 का ये नहीं खरीद रहे हैं। इसीलिए मेरा नकल ना करें, अगर आप मिस कर जाइएगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप हैं। हम तो आपको नहीं बोल रहे हैं कि मेरा जैसा पकड़ो या मेरा जैसा नकल करो। इसलिए यूथ जो है 50,000 का मोबाइल खरीद के चला रहा है, लेकिन यूथ ये नहीं खरीद रहा है। ये मात्र 4,000 रुपया में ये हम ही लोग का यहाँ बनता है और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। इसीलिए यूथ से हाथ जोड़ के अपील है कि ये डेंजर भरा, जोखिम भरा काम ना करें, पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देने से आपको ज्यादा डिग्री हासिल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।